दोस्तों बात जब फूड कंपनीज की हो तो सबके दिमाग में डोमिनोज, KFC जैसे ब्रांड्स का नाम आता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की एक ऐसी कंपनी भी है जो इन बड़े बड़े विदेशी आउटलेट्स को टक्कर देती नजर आती है, और वो है हल्दीराम। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी दुकान से शुरू हुई हल्दीराम आज लगभग 80 से ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। आखिर कैसे किया इस कंपनी ने छोटी सी दुकान से लेकर बिलियन डॉलर कंपनी बनने का सफर, चलिए दोस्तों जानते हैं आज हल्दीराम का फर्श से लेकर अर्श तक का ये सफर हमारे आज के इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों पूरे देश में नंबर वन हल्दीराम स्नैक्स कंपनी ने अपने शुरुआती दौर में बहुत सी मुश्किलों का सामना किया, तब कहीं जाकर आज ये कंपनी इस मुकाम पर पहुंची है। हल्दीराम नमकीन की शुरुआत बीकानेर के बनिया परिवार से हुई थी। तनसुख दास, जिनकी मामूली सी इनकम से किसी तरह से उनका परिवार का गुजारा हो रहा था, आजादी करीब 50-60 साल पहले वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। अपने परिवार की खराब हालत के चलते तनसुख दास के बेटे भीखा राम अग्रवाल नए काम की तलाश में थे, इसलिए उन्होंने अपने और अपने बेटे चांदबल के नाम पर भीखा राम चांदबल नाम से एक दुकान खोली। उन दिनों बीकानेर में भुजिया नमकीन का स्वाद लोगों को काफी पसंद आ रहा था, इसीलिए उन्होंने भी भुजिया नमकीन बेचनी चाहिए। भीखा राम ने भुजिया नमकीन को बनाना अपनी बहन भीखी भाई से सीखा था। सीखने के बाद भीखा राम ने भी भुजिया बनाकर अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी भुजिया बाजार में बिकने वाली भुजिया की तरह बहुत ही साधारण थी और बस किसी तरह उनकी रोजी रोटी चल रही थी। फिर साल 1908 में भीखा राम के घर उनके पोते गंगा भीषण अग्रवाल का जन्म हुआ। उनकी माँ उन्हें प्यार से हल्दीराम कहकर बुलाया करती थी। जब हल्दीराम का जन्म हुआ तो उनके दादाजी की उम्र महज 33 साल थी, क्योंकि उस समय जल्दी शादियां हो जाया करती थी। बचपन से ही हल्दीराम ने घर में नमकीन बनते देखी। छोटी सी उम्र में ही हल्दीराम घर और दुकान के कामों में हाथ बटाने लगे। वो कोई भी काम करने में कभी भी हिचकिचाते नहीं थे। हल्दीराम के अंदर सबसे अच्छी बात यह थी कि वो किसी भी काम को बड़ी मेहनत और लगन से जल्दी सीख लेते थे। उन्होंने बहुत जल्द ही भुजिया बनाना सीख लिया। सिर्फ 11 साल की उम्र में हल्दीराम की शादी चंपा देवी से हो गई। शादी के बाद हल्दीराम की जिम्मेदारियां बढ़ गईं, इसलिए हल्दीराम ने अपने दादा की भुजिया वाली दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। उनकी भुजिया बाजार में बिकने वाली भुजिया से कुछ खास नहीं थी, लेकिन वो भुजिया के इस बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे और इसके लिए उन्हें कुछ अलग करने की जरूरत थी। ऐसे में हल्दीराम ने अपनी भुजिया के टेस्ट को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ चेंजेस किए। उसमें उन्होंने मोठ की मात्रा को बढ़ा दिया। इस नए तरीके की भुजिया को लोगों ने काफी पसंद किया। ये वाली भुजिया बाकी भुजिया के मुकाबले थोड़ी अलग और टेस्टी थी। हल्दीराम की इस भुजिया को लोग पसंद करने ही लगे थे कि हल्दीराम के परिवार में पारिवारिक झगड़े होने लगे और इसीलिए परिवार से अलग होने का फैसला कर लिया उन्होंने। परिवार से अलग होने के बाद हल्दीराम ने बीकानेर में साल 1937 में एक छोटी सी नाश्ते की दुकान खोली, जहाँ बाद में उन्होंने भुजिया बेचनी शुरू कर दी। वो इसके जरिए मार्केट में अपना नाम जमाना चाहते थे। ऐसा कहा जाता है कि हल्दीराम हमेशा अपनी भुजिया का टेस्ट बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस या एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे, और इस बार भी उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। अभी तक मार्केट में जो भी भुजिया आई थी वो थोड़ी नरम, मोटी और गठिए के जैसी थी। इस पर एक्सपेरिमेंट करते हुए हल्दीराम ने एकदम बारीक भुजिया बना डाली। ये बहुत ही चटपटी और क्रिस्पी थी। इस तरह की भुजिया अब तक मार्केट में नहीं आई थी। जब लोगों ने हल्दीराम की इस भुजिया को टेस्ट किया तो उन्हें काफी पसंद आई। उनकी चटपटी और टेस्ट से भरपूर भुजिया खरीदने के लिए दुकान के सामने लाइन लगने लगी। पूरे शहर में उनकी दुकान भुजिया वाला के नाम से पहचानी जाने लगी। बाद में उन्होंने अपनी दुकान का नाम अपने नाम पर हल्दीराम रख दिया। इस तरह से हल्दीराम का बिजनेस लगातार बढ़ता जा रहा था। इसके बाद हल्दीराम भुजिया के साथ साथ तरह तरह की नमकीन भी बनाने लगे। वक्त के साथ साथ उनके प्रोडक्ट्स की मांग भी बढ़ने लगी। लगातार एक्सपेरिमेंट्स करने की वजह से हल्दीराम ने वापस अपनी भुजिया में एक्सपेरिमेंट किया। इस बार हल्दीराम ने बेसन भुजिया में मोठ मिलाने के साथ पहले के मुकाबले उसे पतला कर दिया। उनके इस बदलाव से उसका टेस्ट बढ़ने के साथ उसका रूप भी बदल गया। दूर दराज तक घर घर पहुंचाने के लिए हल्दीराम ने उस भुजिया का नाम डूंगर सेव रखा। उन्होंने अपनी भुजिया का नाम बीकानेर के मशहूर और लोकप्रिय महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर रखा था। इस वजह से उनकी भुजिया भी मार्केट में फेमस होने लगी। साल 1941 तक हल्दीराम की नमकीन का टेस्ट बीकानेर और उसके आसपास के लोगों को काफी पसंद आने लगा था। हल्दीराम अब अपने बिजनेस को पूरे देश में फैलाना चाहते थे। एक बार वो कोलकाता में एक शादी में शामिल हुए थे। उस दौरान वो अपने साथ भुजिया लेकर गए थे। उनकी भुजिया का स्वाद उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को काफी पसंद आया था।
उनके रिश्तेदारों ने उन्हें कोलकाता में भी दुकान खोलने के लिए कहा और उन्होंने कोलकाता में भी एक दुकान खोली। देखते ही देखते वहां पर भी उनकी इस दुकान ने रफ्तार पकड़ ली। आगे उनकी इस दुकान को उनके पोते शिव कुमार और मनोहर ने संभाला। कोलकाता में दुकान के चलने के बाद उन्होंने अपनी भुजिया के बिजनेस को पहले नागपुर में पहुंचाया और फिर दिल्ली तक में से लेकर गए। साल 1970 में पहला स्टोर नागपुर में खोला गया। इसके साथ ही दिल्ली में 1982 में एक स्टोर खोला गया। दोनों जगहों पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए गए। इसके बाद पूरे देश में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स बिकने लगे थे। देखते ही देखते हल्दीराम की मांग बाहर के देशों में भी होने लगी थी। बढ़ती मांग को देखते हुए देश के साथ विदेशों में भी हल्दीराम ने अपने व्यापार को फैला दिया था। उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और स्वाद ने कंपनी को नंबर वन ब्रांड बना दिया। इस तरह से हल्दीराम का ब्रांड समय के साथ काफी तरक्की करने लगा था। साल 2003 में हल्दीराम ने अमेरिका में भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू किया। वक्त के साथ साथ हल्दीराम ने इतनी रफ्तार पकड़ी कि आज हल्दीराम करीब 80 देशों में अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हल्दीराम ने सिर्फ सफलता ही देखी है, बल्कि एक टाइम ऐसा भी आया था दोस्तों जब इस कंपनी को बड़ा झटका लगा था। दरअसल अमेरिका ने साल 2015 में इस कंपनी के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। अमेरिका ने यह कहते हुए हल्दीराम के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई थी कि हल्दीराम अपने प्रोडक्ट्स में कीटनाशक यानी इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से यूएस फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने हल्दीराम के सभी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दी थी। इसके बाद सितंबर 2015 में महाराष्ट्र राज्य से भारत के FDA ने इनके प्रोडक्ट्स पर कई टेस्ट किए और कंपनी को क्लीन चिट दी। लेकिन अमेरिका के इस बैन के बावजूद भी कंपनी को कुछ खास असर नहीं पड़ा। आपको बता दें कि पूरे वर्ल्ड में आज भी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। आपको बता दें कि कंपनी के बढ़ते बिजनेस को देखते हुए कंपनी के कारोबार को भौगोलिक आधार पर यानी कि ज्योग्राफिक बेस पर देश के 3 हिस्सों में बांट दिया गया ताकि कंपनी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वहीं कंपनी का रेवेन्यू साल 2022 में अभी तक करीब 9,000 करोड़ रुपए है। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक हल्दीराम के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एक साल में 3.8 बिलियन लीटर दूध, 80 करोड़ किलोग्राम मक्खन और 62 किलोग्राम आलू का कंजप्शन होता है। हल्दीराम ब्रांड के तहत लोगों ने ना सिर्फ भुजिया बल्कि कई प्रकार के स्वादिष्ट नमकीन, स्नैक्स, 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स का टेस्ट चखने को मिलता है। इससे आप हल्दीराम की लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में जून 2022 में हल्दीराम ने दिव्या बत्रा को अपना मार्केटिंग हेड अपॉइंट किया है। तो ये थी हल्दीराम की सफलता की कहानी। आपको हल्दीराम की नमकीन का टेस्ट कैसा लगता है दोस्तों, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।